झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के अंदर जो नाराजगी देखने को मिल रही थी उसे कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झामुमो की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है। राजमहल से झामुमो की ओर से विजय हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं दूसरी ओर विधायक लोबिन हेम्ब्रम लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अगर राजमहल से झामुमो की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे, जिसकी घोषणा उन्होंने हाल ही के दिनों में दे दी है। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर झामुमो के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या झामुमो में सब कुछ ऑल इज वेल है या फिर उसको लेकर पार्टी की ओर से तमाम रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। क्योंकि कहा जा रहा है और जानकारी जो फिलहाल हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि झामुमो के कई नेता खुद होटवार जेल पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने, और इस बीच झामुमो की ओर से जो 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हुई है वो 4 प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं होटवार जेल पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करने के लिए। तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जी मौजूद है, बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, झामुमो की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है, और ऐसे में जानकारी जो फिलहाल हमें प्राप्त हो रही है वो यही है कि कल कई झामुमो के नेता जो है वो हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए होटवार जेल पहुंचे थे, क्या कुछ इसके मायने हैं? देखिए, पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि हाल के दिनों में जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसको दूर करने के लिए नेता जो है वो होटवार जेल तक पहुंचते हैं, और विपक्ष का क्या, एक तरह से कहें विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर जो है विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अब उनकी राजनीति जो है वो होटवार जेल में शिफ्ट हो चुकी है। दरअसल आप देखें, जो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपे सोरेन, वो भी जाकर के बीच बीच में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं और उनसे अपना राय विचार लेकर के ही आगे काम को बढ़ाते हैं, और दरअसल अभी जो है वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में जो भी पार्टी के निर्णय हैं उससे उनको अवगत कराया जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर के जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई उसके बाद जो अपने उनके विधायक थे या फिर जो उनके नेता थे उनमें जो नाराजगी का दौर बढ़ा, ऐसे में सबसे पहले आप देखें कि सीता सोरेन जो कि उनकी बड़ी भाभी थी वो पार्टी का दामन छोड़ देती हैं और बीजेपी का दामन थामती है, ऐसे में फिर दूसरी तरफ आप उनके ही विधायक जो कि लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे थे लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने ही अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का घोषणा कर दिया। आज ये स्थिति ये है कि अब जो उनके पार्टी के उम्मीदवार हैं विजय हांसदा, अगर लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय खड़ा होते हैं तो उनकी मुसीबत ही बढ़ाएंगे। तो ऐसे में तीसरे तरफ अगर देखें तो लोहरदगा से चमरा लिंडा जो है वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, तीसरे तरफ अगर देखें तो जेपी वर्मा जो कि बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम का दामन थामा था, वो भी ये कह रहे थे कि जब हम पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे थे उस समय हेमंत जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको कोडरमा सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा, तो वो भी अब निर्दलीय के तौर पर जो है चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। हालांकि कोडरमा सीट जो है वो अब विनोद सिंह को चला गया है, यानी कि वाम दल को चला गया है, तो ऐसे में गठबंधन की जो फॉर्मूले हैं उसके तहत वो सीट जो है वाम दल को है। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए फिर से एक बार नेता जो है वो होटवार जेल पहुंचते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से घंटों बातचीत होती है, जिसमें कि उनके छोटे भाई बसंत सोरेन, पार्टी के नेता विनोद पांडे, राजमहल से उम्मीदवार विजय हांसदा, फिर जोबा मांझी, और एक तरह से कहें तो मथुरा महतो के पहुंचने की सूचना मिली, और तमाम नेताओं के लोबिन हेम्ब्रम की नाराजगी की चर्चा भी हुई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके जो बयान हैं और जो वो पार्टी के अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इन तमाम परिस्थितियों पर गंभीरता से चर्चा हुई। साथ ही जो 21 अप्रैल को गुलगुलान रैली हो रहे हैं उसको लेकर के भी विस्तृत चर्चा हुई कि आखिर उसे किसी तरह से सफलता। लेकिन मदन, सवाल ये उठता है कि एक ओर जहां झामुमो के नेताओं की ओर से ये कहा जाता है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन जो नजारा देखने को मिलता है वो काफी विपरीत रहता है, क्योंकि लगातार ये लोग पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए होटवार जेल जा रहे हैं, और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम बागी हो चुके हैं, उनका कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, घोषणा भी उन्होंने कर दी है, और आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं विजय हांसदा को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो क्या इन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत हुई होगी हेमंत सोरेन से अंदर?
बिल्कुल, मैंने यही बताया कि बातचीत ये इसी सिलसिले में हुई है। लोविन हेमरम के जो बागी तेवर हैं उस पर चर्चा हुई है, पार्टी की जो नेताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है उसको कैसे रोका जाए। हालांकि आप जब जेएमएम के नेताओं से बातचीत करेंगे तो वो जरूर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई नाराजगी नहीं है, थोड़ी बहुत जो नाराजगी है वो उसे दूर कर लिया जाएगा। और चुनाव के वक्त में इतनी नाराजगी जो है सभी दलों में होते हैं, ये उनके नेताओं के बयान हैं। और होता भी ऐसा ही है, जब चुनाव के टिकट बढ़ते हैं तो कई नेता जो है आस में बैठे रहते हैं, एक ही पार्टी से चार चार नेताओं के नाम जाते हैं और फिर मोहर एक नाम पर लगता है, उम्मीदवार एक ही होते हैं, तो ऐसे में नाराजगी की दौर तो बढ़ती है। लेकिन जो पार्टी में एक तरह से उनके बड़ी भाभी सीता सोरेन का चला जाना, लोविन हेमरम जैसे वरिष्ठ नेताओं का पार्टी के खिलाफ बागी सुर अपनाना, फिर जेपी वर्मा जो कि बीजेपी का दामन थाम छोड़कर आते हैं फिर जेएमएम का दामन थामते हैं वो बागी हो रहे हैं, चमरा लिंडा जो कि इनके विधायक हैं वो बागी हो रहे हैं, वो भी पार्टी के खिलाफ जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि नहीं हमारा पार्टी जो है गठबंधन के तहत चलेगा। लोहरदगा में अगर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को मदद करेंगे, लेकिन जब निर्दलीय के रूप में चमरा लिंडा उतरते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं नुकसान जो है इंडिया गठबंधन को होगा। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि एक जो बेहतर माहौल की बात की जाती है वो होता नहीं है, अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन इन सब को ठीक करने के लिए हेमंत सोरेन से मिलने के लिए बसंत सोरेन और तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं और जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वो लोग घंटों बैठकर जो है इस पर मंथन किया है कि आगे सब कुछ कैसे ठीक किया जाए। आपने अभी फॉर्मूला का जिक्र किया कि इस बार झामुमो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जमशेदपुर से अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, तो क्या हेमंत सोरेन के समक्ष ये भी बातों का जिक्र हुआ होगा कि आखिर जमशेदपुर से किसे चुनावी मैदान में उतारना है, क्योंकि हाल ही के दिनों में हेमंत सोरेन ने एक संदेश जो है वो चंपाई सोरेन के साथ साथ झामुमो के नेताओं के लिए लिखा था और भिजवाया था। उनका यही कहना था कि जो पार्टी में बहुत दिनों से है जो नेता उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए और जो नए आए हैं उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश दिया था, तो क्या जमशेदपुर सीट को भी लेकर वार्ता हुई होगी? देखिए, ये नहीं कहा था कि नए नेताओं को नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने कहा था कि बाहरी नेताओं को नहीं मिलना चाहिए, जो पार्टी के नेता हैं उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए, स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए। तो इसमें जो नाम चर्चा में थे सविता महतो की बेटी का, वो आखिरी वक्त में किसी वजह से रोका गया है, लेकिन फिलहाल ये नहीं कह सकते कि उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो पार्टी किसे उनकी माँ जो है काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई है और वो भी स्थानीय है, तो ऐसे में कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन गठबंधन के तहत किसके खाते में जाएगी ये फिलहाल कंफ्यूजन है थोड़ा, कांग्रेस की भी दावेदारी है, जेएमएम भी दावेदारी कर रही है, और एक तरह से कहें तो ये इसलिए उत्पन्न हुआ है ये परिस्थिति क्योंकि चतरा पर आरजेडी की दावेदारी के बाद जो है कांग्रेस की दावेदारी और बढ़ती जा रही है, तो इसी में कौन सा सीट मैनेज कर उनको दिया जाएगा इस पर जो है फिलहाल मंथन जारी है। अब देखना होगा कि आखिरी निर्णय क्या होगा, लेकिन इन्हीं तमाम परिस्थितियों पर चर्चा के लिए जो है तमाम नेता होटवार जेल पहुंचे थे। तो देखिए, हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए लगातार झामुमो के नेता होटवार जेल पहुंच रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से कमर कस लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि कुछ भी ऑल इज वेल देखने को नहीं मिल रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि लोबिन हेमरम भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं राजमहल से, और के साथ ही जिस तरीके से न्याय उलगुलान महारैली का आयोजन जो है वो झामुमो की ओर से किया जा रहा है, इसको भी लेकर कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो हेमंत सोरेन से तमाम झामुमो के नेताओं ने होटवार जेल में की होगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी को दे इजाजत, नमस्कार।